नमस्कार, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, इस समय हम खड़े हैं बसे के मधुबन में। यहां आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक 6 किलोमीटर की मैराथन का आयोजन किया गया है। ये मैराथन अटल युवा पर्व के तहत शुरू की गई है और भारतीय जनता युवा मोर्चा इसके मेन आयोजक है। यहाँ हम इस समय लाइव खड़े हैं। मैराथन शुरू हो चुकी है और मैराथन के फर्स्ट विनर कुछ ही देर में आने वाले हैं, उनका हम कवरेज कर रहे हैं। आप देखेंगे पूरी कवर। अभी के लिए इतना ही। वैसे ही से यूसुफ अली। सर, क्या कहेंगे आज जो मैराथन का आयोजन किया है, क्या है बताइए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की तरफ से सभी लोगों से अनुरोध है, 25 जनवरी से साइड में खड़े रहे। 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक श्रीमान अटल जी के जयंती से 25 दिसंबर से 12 जनवरी तक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती तक इस अटल पर्व के नाम पे भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा की तरफ से पूरे देश में मनाया जा रहा है। उसके तहत एक मैराथन का आयोजन किया है। बहुत अच्छा प्रतिसाद यहाँ स्पर्धकों में से है, बहुत अच्छा रिस्पांस उन्होंने दिया और आपने सभी ने देखा होगा कि उसके चेहरे पे जो हंसी थी, उसके चेहरे पे जो मुस्कान था, जो तेज था, उससे लोगों में प्रचंड उत्साह है। इस आयोजन के लिए प्रतिभागी जो है उनसे कितनी फीस ली गई? मुक्त में आयोजन था, कोई फीस इसमें नहीं ली गई है। इसमें कितने लोग दौड़ने वाले हैं और कितने किलोमीटर का आयोजन? 2000 से भी ज्यादा प्रतियोगिता ने भाग लिया और 6 किलोमीटर की मैराथन स्पर्धा है। प्रथम विजेता, सेकंड विजेता क्या प्राइज है? तो प्राइज हमने अभी आपको मालूम पड़ेगा, एक 10-15 मिनट में मैराथन खत्म होने के बाद आपको मालूम पड़ेगा क्या प्राइज है, क्या है। अच्छा, मुख्य अतिथि में कौन कौन शामिल है? मुख्य अतिथि हमारे जो यहाँ के वसई जो बोईसर विधानसभा था उसके पूर्व विधायक आर्यन तरे साहब है, हमारे चौबे जी है, हमारे घनसर साहब है और बाकी यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता हम लोग है। अच्छा, इसमें आपको वसई विधानसभा महानगर पालिका की तरफ से कितना सहयोग? महापालिका का दायित्व ही है कि लोगों को सहयोग करने का। जो जो महापालिका दे सकते हैं उसका जो आवश्यक है वो सहयोग महापालिका से हमें मिला। किसी आयोजन के पीछे कोई एक मूल उद्देश्य होता है, तो एक संदेश होता है। इस आयोजन में ऐसा कोई उद्देश्य या संदेश तय किया गया है? इस आयोजन में संदेश यह है कि पूरे युवकों में, भारत ये युवकों का देश है, युवकों में एक चैतन्य जगाए। हमारे अटल जी के, हमारे आदरणीय स्वामी विवेकानंद जी के चरित्र को पढ़े, उनसे प्रेरणा ले और देश के लिए कुछ भी करना चाहिए, देश भावना जगाने के लिए ये मैराथन का आयोजन किया गया। थैंक यू सर। क्या कहेंगे आज मैराथन में शामिल हुए, कैसा फील हो रहा है और ये आयोजन बीजेपी की तरफ से किया गया, आप इसमें सहभागी हो, क्या कैसा लग रहा है? ये जो आयोजन है आज अटल पर्व के माध्यम से भारतीय युवा मोर्चा के तरफ से है, ये जो आयोजन है मैराथन का, इसमें मेरे ख्याल से 2500 युवाओं ने स्पर्धा में भाग लिया है और अच्छा रिस्पॉन्स है और सब यहाँ की एंट्री जो है वो तो फ्री है और मेरे ख्याल से और अच्छा आगे, ये तो शुरुआत है और अच्छा आगे स्पर्धा अलग माध्यम से मैराथन है या कोई भी क्रीड़ा स्पर्धा, यहाँ के जो युवा है उनको जो उनको ताकत देने का काम भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है। सर, क्या आज का कार्यक्रम है? ये आज का जो कार्यक्रम है यंग इंडिया रन मैराथन का स्पर्धा का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से किया गया है। ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अक्सर हम लोग हमारे वसई विरार के अंदर जो हमारी सिर्फ मैराथन जो होती है वसई विरार महापालिका के द्वारा की जाती है, भारतीय जनता पार्टी ने आज से 7 साल पहले एक मैराथन की थी रन फॉर इंडिया करके, मतलब जो स्टैचू ऑफ यूनिटी का जब हमको ये करना था तब मोदी जी के आदेश के हिसाब से हम लोग यहाँ पे कार्यक्रम किया था। लेकिन सही मायने में जो मैराथन का नियोजन पहली बार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा ने यहाँ वसई विरार में किया है, वो भी निःशुल्क किया है। इस हिसाब से आपने देखा होगा
सबरे हजारे जो स्पर्धक थे वहाँ पे बड़ी संख्या में उपस्थित थे और आज दौड़ भी रहे। और हमारा ये मैराथन का उद्देश्य सिर्फ यही है कि जो आज जितने भी स्पर्धक है तो प्लीज उसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय तक जाएगी, खेल मंत्रालय तक जाएगी। और हम ये चाहते हैं कि वसई के जो भी आदमी जो स्पर्धक है वो भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे, यही भावना से हमने मैराथन का आयोजन किया और हम आगे भी इसी तरह का मैराथन वसई के जो हमारे युवा है उनके लिए करते रहेंगे। उदय जी क्या कहेंगे आज के कार्यक्रम? आज का कार्यक्रम जो है बहुत ही भारी संख्या में लोग जुड़े हैं, यहाँ पर युवा वर्ग काफी भारी संख्या में जुड़े हैं। उनका उत्साह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हर साल ये जो प्रोग्राम है हर साल करने का। जी कितने लोगों ने कुल रजिस्ट्रेशन किया? रजिस्ट्रेशन तकरीबन 2,500 से 3,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया और उसमें से उससे जितना रजिस्ट्रेशन हो उससे काफी और ज्यादा लोग आए यहाँ पर जुड़े। आपको क्या लगता है कितने काफी कम समय में अच्छा आयोजन है? मुझे लग रहा है कि ये पहला प्रयास था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और इसी तरह का आयोजन हम लोग आगे भी करते रहेंगे। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।